गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? कैसी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों? हम लोग आज जो वेव मोशन का थर्ड लेक्चर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैंने बच्चों जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर वो देखना बहुत जरूरी है। साथ में बच्चों मैंने जो इक्वेशन निकाली है जो प्रोग्रेसिव वेव्स की जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाय ब्रैकेट में स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। निगेटिव डायरेक्शन के लिए अगर एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन के लिए इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाय ब्रैकेट में स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे प्लस एक्स बाय लैम्डा, ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। बच्चों आज हम लोग बीट क्या होती है, बीट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। साथ में बच्चों बीट का भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में मैं डॉपलर इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही ले रहा हूं इसमें। तो इस चैप्टर में आप लोगों को ये तीनों भी क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाना है बच्चों। तो मैं बढ़ने जा रहा हूं बच्चों आगे। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बीट क्या होती है, बीट में वैक्सिंग वैनिंग क्या होती है, पीरियड कितना होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, और इसके इक्वेशन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, डिटेल में हम लोग इसके अप्रोच देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले बच्चों बीट्स क्या होती है। चलो आगे बढ़ना है हमको। बीट्स किसको बोलते हैं? बीट बच्चों ये जो होता है ये सुपर पोजिशन ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव। ओके कितने टू साउंड वेव्स हैविंग हैविंग स्मॉल, क्या स्मॉल डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का देखना है, स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, स्मॉल डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों बताऊंगा। आप लोग बताते होंगे कि सर बुक्स में तो डिफाइन लिखी है कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या इक्वल एम्पलीट्यूड सॉरी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन, बताऊंगा वो भी, वो डिफरेंस बिटवीन में बता दूंगा आपको। तो बीट्स क्या होती है बच्चों, सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स होना चाहिए दो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बच्चों इस फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि डीसी पांडे की बुक्स है ना, या आपने बोर्ड की बुक्स में भी दिया है बच्चों, यहां पे जो एफ टू माइनस एफ वन या एफ वन माइनस एफ टू इज लेस देन 10 हर्ट्ज से छोटा होना चाहिए, नंबर वन बात समझो बच्चों। ये जो डिफरेंस है 10 के छोटा, मतलब वन रहा तो बीट्स अच्छी होगी, टू रहा तो अच्छी, थ्री रहा तो अच्छी, फोर रहा तो अच्छी, फाइव सिक्स सेवन एट, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे 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 बीट फ्रीक्वेंसी जो बीट है वो कम 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 होती रहेगी। बात समझ में आया? क्योंकि 10 से जितना छोटा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, हम लोग इस बुक में एन वन माइनस एन टू इज लेस देन 10 हर्ट्ज, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए एन इस्तेमाल करेंगे, गॉट इट, हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए एन इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बुक्स में एफ भी करते हैं, कुछ बुक्स में एन भी करते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने इसलिए दो पॉइंट छोड़े थे यहां पे क्योंकि इसका कुछ रीजन है बच्चों। अगले चैप्टर में हम लोग स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है आपको तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है? तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे बच्चों। अभी बात समझ में आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट क्या होता है, सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव हैविंग द स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, स्मॉल डिफरेंस ज्यादा नहीं। अब आप एस सी वर्मा सर के बुक्स में पढ़ोगे तो 16 हर्ट्ज के छोटा होना चाहिए, कुछ बुक्स में तो 8 हर्ट्ज से भी छोटा होना चाहिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो हम लोग बोर्ड पढ़ाई कर रहे हैं या सीईटी, सीईटी के लिए और बोर्ड के लिए 10 हर्ट्ज ये पक्का है, भरोसा रखो, भरोसा तो रखना पड़ेगा वरना सर, ठीक है? बढ़ने बच्चे आगे। तो हम लोग आप देखने वाले स्टैंडिंग वेव और बीट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है बच्चों। तो स्टैंडिंग वेव में देखो ये देखेंगे स्टैंडिंग वेव और इधर देखेंगे बीट, ठीक है? स्टैंडिंग वेव में बच्चों जो दो वेव्स होती है, जो दो वेव्स होती है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। स्टैंडिंग वेव में क्या होती है, जो दो वेव्स है, अब दो टू साउंड वेव्स लिख रहे हैं ना हम लोग,
इसमें भी स्टैंडिंग वेव में टू साउंड वेव्स होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है किसकी, वेव्स की, वो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल करना चाहिए। देखो कौन से, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल होना चाहिए और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए बच्चों। इस वेव का भी और इस वेव्स का भी, दोनों का भी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। सर बीट में क्या होता है, बीट में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बीट में बच्चों? दोनों जो वेव्स है वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए और एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन कौन सा बच्चों इसका? सेम डायरेक्शन लगे तो एम्पलीट्यूड भी सेम लिख दो, एम्पलीट्यूड सेम लिखो, ठीक है। यहां पे भी एम्पलीट्यूड कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही बच्चों? ओके, कोई टेंशन है? बीट में क्या है, वेव का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, साथ में उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। लिखो ये बीट्स में, लिख सकते ना, पूरी डिफाइन लिखना है तो लिख सकते हैं। तो सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हो इसके डिफाइन। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट में देखना है बच्चों उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, स्टैंडिंग वेव्स की। हम लोग यन इस्तेमाल कर रहे हैं ना अभी, हाँ ठीक है। तो यन वन इज इक्वल टू यन टू, मतलब ये जो है जो फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी कैसी होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बच्चों बीट में ये डिफरेंस है, देखो इसमें दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है, सिमिलैरिटी में एम्पलीट्यूड सेम है, बात ध्यान में रखो। वेव्स का डायरेक्शन यहां पे अपोजिट होता है स्टैंडिंग वेव्स में, बीट में सेम होता है। दूसरी बात, स्टैंडिंग वेव में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, डिफरेंट होती है। कोई शक बच्चों? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन? ये बात समझ में आ गई? बीट क्या होती है? सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, कितने, दो साउंड वेव्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी में स्मॉल डिफरेंस या साइडली डिफरेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से छोटा होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से छोटा, जितना छोटा उतनी अच्छी बीट्स होती है ना। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? मैंने स्टैंडिंग वेव्स और बीट में, स्टैंडिंग मतलब स्टेबल, एक जगह पे खड़े रहना, बताऊंगा अगले चैप्टर में स्टेशनरी वेव्स में, उसके लिए डिस्कशन होगा। बच्चे इतना डिटेल्स क्यों ले रहा हूं? सीईटी के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए, ठीक है। जिस में दो वेव्स हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, उसको स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। बीट में सेम डायरेक्शन होना चाहिए दोनों वेव्स का, क्योंकि टू साउंड वेव्स है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम हो तो स्टैंडिंग वेव्स होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो तो बीट्स होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है बच्चों। बोर्ड में सवाल भी होता है डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स, ऐसे सवाल हो सकता है। कोई टेंशन बच्चों? कुछ हल्की फुल्की सी डिफाइंड होंगी बच्चों इसमें, वो मैं बताऊंगा आपको, इसको नोट डाउन करना अच्छी तरह से। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी वैक्सिंग किसको बोलते हैं, क्या 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 वैक्सिंग, वैक्सिंग क्या होता है ना। ओके, तो डिफाइन लिखने जा रहा हूं बच्चों मैं वैक्सिंग की। वैक्सिंग की डिफाइन में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कैसे, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी रहा। एम्पलीट्यूड पता है ना बच्चों, ये जो वेव्स होती है ये वेव्स में, इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमने इसके पहले वेव्स देखी है, अरे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स में वेव देखी है ना, तो ये जो होता है वाई, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने। तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसको बोलते बच्चों, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड बोलते। तो वैक्सिंग क्या होता है, जिस साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, बूम बूम, ए या जूम,
जो इंटेंसिटी साउंड की मैक्सिमम हो, जहां साउंड की इंटेंसिटी बहुत मैक्सिमम है, बहुत मैक्सिमम है, उसको वैक्सिंग बोलना है बच्चों। उसको क्या बोलना है? वैक्सिंग बोलना है, ठीक है। वैनिंग क्या होता है बच्चों? यहां पे वैनिंग देखो, वैनिंग क्या होता है? इसका उल्टा, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या इसको मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड छोटा हो, छोटा मतलब जीरो ही हो जाता है यहां पे, देखो यहां पे, है ना, इसको वैनिंग बोलेंगे बच्चों, जिसकी साउंड की इंटेंसिटी बहुत कम हो, है ना, बहुत कम, जहां सुनाई नहीं देता हो, इतनी कम हमारी साउंड, जैसे हेलो, है ना, कम कम हो रही, जैसे कि जैसे ही साउंड हेलो हेलो ऐसे कम साउंड आती है ना, तो जितनी मिनिमम हो साउंड उसको वैनिंग बोलते हैं बच्चों। उसको क्या बोलना है? वैनिंग। वन बीट किसको बोलते हैं? वन बीट्स, वन बीट बच्चों, देखो यहां पे एक मिनिमम है, यहां मिनिमम है, यहां मैक्सिमम है, तो इसको नहीं पकड़ते बच्चों, इसको पकड़ते, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग को एडजस्ट किया तो वन बीट मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? वन बीट, वन मैक्सिंग, वन एडजस्टन वैनिंग, है ना, इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ द वन बीट्स, उसको वन बीट्स बोलते हैं, मतलब वन मैक्सिंग, ऐसे लिख सकते हैं, वन मैक्सिंग एंड वन एडजेसेंट वैनिंग, है ना, इज कॉल्ड एज द वन बीट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन बीट बोलेंगे बच्चों, है ना, ओके, मिटारना है बच्चों इसको। चलो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, वैक्सिंग वैनिंग हो गया, वन बीट हो गया, अब देखेंगे पीरियड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमको इसका इस्तेमाल करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में हम देखने पीरियड ऑफ बीट, है ना, पीरियड ऑफ बीट, पीरियड ऑफ बीट्स, पीरियड ऑफ बीट्स, तो यहां पे डिफाइन लिख सकते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग एंड वैनिंग, वैक्सिंग एंड वैनिंग, ओके, उसको बोलना है पीरियड ऑफ बीट, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, कितने, कौन कौन, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग को कंप्लीट करने के लिए उनके जो टाइम इंटरवल लगने वाला है उसको पीरियड ऑफ बीट्स। ये सिंपल सिंपल डिफाइन बच्चों, डिफाइन से ज्यादा अटकना मत, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल यन, द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ बीट्स, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ बीट्स इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इफ, हम लोग बच्चों इसके देखेंगे कंडीशंस क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बीट कंडीशन क्या क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी तो बता चुका हूं, तो भी बता रहा हूं, जो डिफाइन है बच्चों बीट्स की वही कंडीशंस है। नंबर वन, नंबर वन, इसका एम्पलीट्यूड कैसे होना चाहिए बच्चों? नंबर वन, इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ टू साउंड वेव्स शुड बी इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल, मतलब ए वन इज इक्वल टू ए टू, मतलब हम लोग ए लिखेंगे, ओके। अगर दो साउंड वेव्स हो तो उनका जो एम्पलीट्यूड हो वो सेम होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इसकी जो फ्रीक्वेंसी बच्चों वो साइडली डिफरेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी डिफाइन में ही लिखा मैंने, है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी लिख सकता हूं, स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में स्मॉल डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है, जो फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है मैंने बता दिया बच्चों आपको, लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है बच्चों मेरे पास यहां पे, जो भी टू साउंड वेव्स शुड बी ट्रैवल थ्रू सेम मीडियम, मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम कैसे होना चाहिए? मीडियम सेम होना चाहिए। अब चौथी चीज, सेम डायरेक्शन होना चाहिए,
डायरेक्शन कैसे होना चाहिए बच्चों, सेम, ये कंडीशन है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बात समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी साइडली डिफरेंस होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, किसके लिए बच्चों, बीट फॉर्मेशन के लिए। अगर बीट फॉर्मेशन करना है तो आपके पास कंडीशन, चार कंडीशन है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, नंबर दो साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, नंबर तीन मीडियम सेम होना चाहिए, नहीं तो एक वाटर में वो जा रही है और दूसरी दो टू साउंड है ना और एक सॉलिड में से जा रही है, नहीं कर सकते। मीडियम भी सेम होना चाहिए, मीडियम भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी दोनों वेव्स का सेम होना चाहिए, तो हम लोग बिट को यहां पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। बढ़ना है बच्चों आगे, हम लोगों को आज इंपॉर्टेंस इसका जो क्वेश्चन है, मतलब जो यहां पे जो इसके इक्वेशन है, वो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों, इसके ऊपर 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से करना है, नहीं तो डूब जाओगे। ठीक है, इसको भी मिटा रहा हूं बच्चों मैं, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा लगेगा लेंथी लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों, लॉजिकली करोगे ना तो बहुत बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, बढ़ना आगे। देखो बच्चों, हमारे पास यहां पे जो बीट है और बीट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है, इसके पहले हमने बीट के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखा था, याद होगा बीट्स। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन था, याद होगा अगर आपने पढ़ा हो, वाई वन इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ओमेगा वन टी माइनस के एक्स, ऐसा एक इक्वेशन लिखा था मैंने। सेकंड के लिए टू साउंड वेव्स है ना, दो साउंड वेव्स है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये है ए साइन ओमेगा टू टी के वन है माइनस के टू इंटू एक्स। ओके, कोई टेंशन बच्चों, मैंने ए वन ए टू क्यों नहीं लिखा है? कंडीशन क्या है? अरे बेट की कंडीशन क्या है? एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, इसलिए एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया। अब बोलेंगे सर ओमेगा वन ओमेगा टू क्यों लिखा है? अरे फ्रीक्वेंसी चेंज है ना बच्चों, अरे फ्रीक्वेंसी साइडली डिफरेंस, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाइन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट चैप्टर जाके देखना बच्चों, ये रिलेशन करके दिया मैंने। ओके, अब देखो ट्यूनिंग फोर पता है? ट्यूनिंग फोर सर कॉलेज में नहीं जाते, ठीक है मैं बताऊंगा। चलो तो यहां पे एक ये लिखना, ये त्रिशूल है क्या? हाँ चलो, तो एक दूसरा त्रिशूल, दो त्रिशूल लिखे, ठीक है बच्चों। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y2, इसका है y1 और यहां पे एक पार्टिकल रखा है, वो कहां है? जीरो पे है बच्चों, x इज इक्वल टू जीरो पे है, मतलब बहुत नजीक नजीक है, बहुत दूर नहीं है, बहुत नजीक नजीक है। अब वो दिखाना है इसलिए दूर निकाल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर दूर तो है और x इज इक्वल टू जीरो, पागल हो गए क्या? नहीं, फिजिक्स है बच्चों, करे क्या। तो एक यहां पे हमारा एक बंदा बैठा है और ये सुन रहा है, ये कौन है? ऑब्जर्वर है बच्चों, ठीक है। इस ऑब्जर्वर ने, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे यहां पे बैठा है, तो यहां पे x जीरो है तो बच्चों यही इक्वेशन कैसे बनेंगे मेरे पास? y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी, समझ में आ रहा है? क्योंकि x जीरो है ना बच्चों, और y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू टी, बात समझ में आएगी? आपके बुक्स में ऐसे इक्वेशन लिखे होंगे, ये नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं बच्चों, यहां से स्टार्ट करो, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब जैसे ही ये वाइब्रेट कर दूंगा, ऐसे जुम 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 करते पता है आवाज आती है और वो साउंड वेव्स ऐसे 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 ट्रैवल करते, जुम 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 जुम, देखा नहीं? देखा है? अरे ऐसे होते रबर पैड पे मारना पड़ता है, रबर पैड पे मारने के बाद जुम जुम, तो ऐसी 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 साउंड ट्रैवल होती है। जैसे कि बच्चों मैंने यहां पे जो y को यहां पे, मतलब ये y1 इसका डिस्प्लेसमेंट, ये ट्यूनिंग फोर्क, a वाला ट्यूनिंग फोर्क, इसको b नाम देंगे, ठीक है। ये ऐसे जूम 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 कर रहा है, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे जूम जूम जूम, ठीक है ठीक है, कोई टेंशन, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, एक मिनट।
छोटा छोटा करता हूं बच्चों, देखो ये वन टू थ्री फोर, ओके ठीक है ठीक है आप, ओके मतलब ये वाई वन ऐसे कर रहा है, जुम 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 यहाँ पे ये बना रहा है। दूसरा वही ट्यूनिंग फोर के, ये फास्ट फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हो रही है, ये चार छः सात, ओके ये कर रहा है, मतलब ये वाई टू के वाइब्रेशन है, ये सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसकी वाई वन की वो है, ओके दोनों की है। अब देखो बच्चों कहानी क्या होने वाली है, अब ये पार्टिकल चाहता है यार क्या करूं मैं, वाई वन तो ये दे रहा है फ्रीक्वेंसी, वाई टू ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है, करे क्या? वो बोला एक काम करेंगे यार, हम इसका थोड़ा एडवांस बना दूं इक्वेशन, एडवांस बना दूं, देखो y1 a साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है, टॉइस पाई n1 t, बात समझ में आ रही बच्चों ओमेगा की वैल्यू, और y2 a साइन टॉइस पाई n2 t, बात समझ में आ रही है, इसी का एडवांस वर्जन है ना ओमेगा की वैल्यू पुट की, बाकी पिक्चर में। अच्छा मतलब बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ये कंफ्यूज हो रहा है, उन्होंने बोला ठीक है इन दोनों का हम लोग ऐड करेंगे, y नेट निकालना चाहते हैं ना, तो y1 प्लस y2 करेंगे, तो इसकी क्या मिलेगी फ्रीक्वेंसी बच्चों, देखो 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 इनको मिक्सअप कर रहा हूं, ये है ऐसे कितने, नहीं यार एक मिनट कपला हो रहा है, चलो देखो ये जो है ये है, अब आ गई ठीक है पे आपको उसकी, ठीक है तो ये इसके ऐसे शैडो बन जाएंगे ये, ठीक है यही है ना कहानी, ओके ये जो बच्चों क्या करें काम करेंगे बच्चों, इसी को हम कैसे करेंगे, देखो ये जो है फ्रीक्वेंसी जूम 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 वापिस काम वापिस जूम 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 जूम, बात तो समझ में आ रही बच्चों, जूम 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 जूम, ठीक है कर सकते कि नहीं इसे, ओके ठीक है यहाँ पे जूम 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 ये ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बच्चों यहां पे सबसे कम इंटेंसिटी है ये, वापिस इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई बच्चों यहां पे बहुत कम है, ठीक है मैंने एक एक्स्ट्रा निकाल दिया क्या, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों। तो बच्चों यहां पे हमारे पास यहां पे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि आपको बताऊंगा लॉजिकली डायग्राम निकालना बहुत जरूरी, ठीक है तो बच्चों यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी हमने कैसे किया, एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू है ना, एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू कैसे मिलेगी, अब देखो बच्चों अब लोग गिनोगे तो इसको एन वन बोलो, ये फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा है, क्योंकि बच्चों हम हमेशा एन वन को ग्रेटर मानते हैं एन टू, तो जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको एन वन मानो ऐसे, अरे किसी को कुछ भी माना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छा लगता है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें कितने वेव्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, और इसमें वन टू थ्री फोर है, तो आप लोग क्या करोगे, सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री, बात समझ में आ रही है, मतलब बच्चों यहां पे नंबर्स ऑफ बीट पर सेकंड अगर निकले, नंबर्स ऑफ बीट पर है ना सेकंड निकालोगे तो आपके पास थ्री मिल रही कि नहीं, मतलब बच्चों थ्री बार्स ये जो है हमारी इंटेंसिटी है, ये देखो मैक्सिमम वन ये टू और ये थ्री बार मिल रही, हो सकता है कि कुछ लोग बोले वैनिंग के बारे में, ये वैक्सिंग हो गई वैनिंग, ये तो स्टार्ट है ना बच्चों, तो ये नहीं पकड़ना है, वन टू थ्री, बात समझ में आ रही बच्चों, तो नंबर्स ऑफ बीट पर सेकंड एक सेकंड में तीन बार वैक्सिंग, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मैक्सिमम साउंड की इंटेंसिटी मिल रही है,
या ये भी बोल सकते हैं तीन बार मिनिमम इंटेंसिटी, 1 2 3, समझ में आ रहा है, 1 2 3, ये 1 2 3, बात समझ में आ रही बच्चों कैसे निकाला मैंने, तो नेट फ्रीक्वेंसी मुझे कैसी मिल रही, समझ में आ रहा है। इसी चीज को बच्चों हम लोग बीट बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, बीट, एक सेकंड में कितने बार हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है और कितने बार या मिनिमम हो रही है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते, कोई टेंशन नहीं, आपकी मर्जी, क्या बोल सकते मिनिमम कितने बार हो रही है ये बता सकते हैं या मैक्सिमम कितने बार हो रही है इंटेंसिटी, इसी चीज को बच्चों हम लोग बीट्स बोलते हैं। अब ये बीट्स का इक्वेशन देखते रहने वाले हैं, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अभी, ओके, कोई टेंशन, सबको समझ में आ रहा था, ये कहानी समझ में आ रही है, मिटारना इस चीज को, ये चीज आपके लिए समझने के लिए मैंने लिखी थी, आज हम लोग इस इक्वेशन को कंप्लीट करने वाले, ओके, तो मैं बढ़ने जा रहा हूं आगे, आप लोगों को देना है बोर्ड पे ध्यान, इधर उधर की जो भी डिस्टर्बेंस है डिस्टर्बेंस को थोड़ा कम करना है और इधर प्योरली 100% आपको ध्यान देना बच्चों, ठीक है, तो मैं बढ़ने जा रहा हूं आगे बच्चों, तो y1 प्लस y2 ये दोनों इक्वेशन रखना पड़ेंगे यहाँ पे, y नेट निकालना है तो मेरे पास एक कॉमन निकालूंगा, दोनों तरफ ये है, तो साइन टॉइस पाई n1t प्लस साइन टॉइस पाई n2t, कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास एक इक्वेशन बच्चों, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, इक्वेशन किसी को पता है इसका, साइन सी प्लस साइन डी का, तो ये फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2, बात समझ में आ रही है, फार्मूला है मैथमेटिक्स सर हम बायो के स्टूडेंट है समझ में नहीं आता है, तो नहीं आता है तो याद कर लो, वजवीरी का नाम महात्मा गांधी करेंगे क्या, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला कर सकते हैं। हाँ अब देखो बच्चों, साइन इसको सी बोला, एन वन को सी और एन टू को डी, एन टू को डी बोलेंगे, तो वाई नेट इज इक्वल टू बच्चो ए, ओके ये 2 ये ए है मेरे पास, ओके सर, तो साइन साइन देखो साइन, लेकिन 2 पाई कॉमन है यहां पे, सी किसको बोला एन वन को प्लस एन टू है ना डिवाइड बाय 2, यहां पे स्मॉल टी बच्चों बात ध्यान में रखना है, मैं दोनों को मिक्सअप कर रहा हूं, देखो 2 ये है साइन, लेकिन ट्वाइस पाई कॉमन में मेरे पास, सी कौन है बच्चों एन वन और ये एन टू डिवाइड बाय 2 और ये स्मॉल टी भी यहां पे, अब कॉस कॉस 2 पाई कॉमन है एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाय 2 इंटू टी, ये इक्वेशन मुझे मिल रहा है बच्चों, कोई शक, बढ़ना बच्चों आगे, चलो यही इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, वाई नेट इज इक्वल टू कॉस को इधर ला रहा हूं, देखो 2 ए कॉस ट्वाइस पाई, देख लेना बच्चों यहां पे एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाय 2 इंटू टी, बचा है मेरे पास साइन ट्वाइस पाई ब्रैकेट में एन वन प्लस एन टू डिवाइड बाय 2 इंटू टी, टी बच्चों टी यहां पे, ठीक है समझ लेना, वजवरी का नाम महात्मा गांधी क्या करे जगह नहीं होती है कभी कभी, ओके किसी को डाउट है बच्चों इस इक्वेशन के बारे में, इसमें 2 पार्ट्स है बच्चों मेरे पास, ये कि ये और ये कि ये, बच्चों इस पार्ट को नीचे से निकालो अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, ये देखो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, इसको बच्चों मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताऊंगा और इसको भी कुछ टर्म्स है समझो, क्यों सर क्यों 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 क्या रीजन है, क्या रीजन है सर, देखो बच्चों मुझे बताओ ये जो फ्रीक्वेंसी है कौन कम ज्यादा हो रहा है, ये तो एम्पलीट्यूड यहां पे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अरे बच्चों यहां तो फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां है, यहां है, फ्रीक्वेंसी कम ये n1 माइनस n2 कम होगी ना, होगी कि नहीं होगी, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी में बच्चों हम लोग रिजल्ट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड कम
चीरो ज्यादा जो भी होगा, होगा कि नहीं होगा, बात तो समझ में आ रही है बच्चों आपको? ओके, मतलब बच्चों यहां पे जो हमने निकाला था यहां पे अभी याद होगा आपको ये, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी ऐसे जूम 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 जूम, तो इससे हमने निकाला था ये, याद है? देखो ये फ्रीक्वेंसी हो रही है कम 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 कम, बाद में और ज्यादा कम 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 कम, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो माना था ना हमने यहां पे, याद है ना? भूल गए, ये भूल गए, भूल गए, समझ में आ रहा बच्चों? तो बच्चों इसी चीज के कारण हम लोग इस चीज को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मान रहे, है ना, ये टर्म को, ये पूरा, ये तो नहीं, तो वाई नेट इज इक्वल टू निकाल सकते बच्चों ए, इसके जगह पे ए निकाल सकते, तो साइन टॉइस पाई बचा वाला टर्म एन वन प्लस एन टू डिवाइड बाई टू इंटू टी, कोई शक है बच्चों? ये हमारे पास बीट का इक्वेशन मिला है बच्चों, इक्वेशन किसका है? बीट का इक्वेशन बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन, समझ में आ रहा है? ए के जगह पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के जगह पे क्या लिखा है मैंने, तो टू ए कॉस टॉइस पाई, देख लेना बच्चों यहां पर, है ना, एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई टू इंटू टी, ये है मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी बच्चों, इसके कारण हमने इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड माना है। कोई शक है बच्चों? बढ़ना आगे, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा कम करना पड़ेगा। चलो तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अभी, ओके, तो पहले सबसे पहले देखेंगे फिर क्या वैक्सिंग क्या होती है। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास 2a हो सकता है, अरे a और a 2a हो सकता है कि नहीं, ये a और a 2a हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 2a, तो वैल्यू पुट किए जाए, समझ में आ रहा है बच्चों? और एम्पलीट्यूड ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ये पता है ना आपको, ठीक है ना? चलो बच्चों वैल्यू पुट अप कर रहा हूं ए की, 2a cos twice pi n1 minus n2 divided by 2 into t is equal to plus minus 2a, ठीक है, 2a से 2a मर गया 1, बच्चों मुझे बताना है cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है, तो आपको पता है यहां पे बचा है मेरे पास twice pi n1 minus n2 divided by 2 into t, प्लस वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 10, बाद में पाई 2 पाई 3 पाई डाई डाई डैश। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? कॉस कहाँ गया? कॉस कहाँ है? अरे कॉस की वैल्यू तो है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 कॉस की वैल्यू, कॉस निकालोगे तो वैल्यू पुट अप करोगे ना, नहीं तो कमेंट में सर कॉस कहाँ गया, कॉस यहां गया, इसकी वैल्यू पुट अप कर रहा हूं। तो चलो बच्चों पाए से पाए 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 मर गया, 2 से 2 मर गया बच्चों, मुझे टी की वैल्यू निकालना है, तो पहली वैल्यू तो 0 है क्योंकि डिवाइड बाय 0 करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे पाए पाए जा 1 मतलब ये 1 डिवाइड बाय ये डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे एन वन माइनस एन टू, यहाँ पे 2 बचा है ये डिवाइड जा रहा है एन वन माइनस एन टू, यहाँ पे 3 बच रहा है एन वन माइनस एन टू। हम लोगों को बच्चों यहाँ पे क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, बराबर है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स, दो सक्सेसिव वेव्स के बीच में निकालना, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये करो, इसमें से कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी करो यार, तो टी इज इक्वल टू 1 बाय n1 माइनस n2 माइनस 0, इसमें से ये, या इसमें से ये भी करो कोई टेंशन नहीं है, तो टी इज इक्वल टू बच्चों यहां पर 1 n1 माइनस n2, ये पीरियड, मुझे फ्रिक्वेंसी निकालना है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड मतलब उल्टा करो बच्चों, तो क्या मिल रहा है n1 माइनस n2, तो ये यहां पे डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी मिल रही है, मिल रही है कि नहीं, कोई टेंशन बच्चों? ओके, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स दिखाई दे रहा है सबको, कोई टेंशन तो नहीं है? ओके बढ़ना बच्चों आगे, ये हो गया वैक्सिंग के लिए, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी मिली, ओके डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चों मैं वही वैलिंग के लिए भी कर सकता हूं? नोट डाउन किया बच्चों आपने, नोट डाउन करना, चलो 1 2 3 4, ओके वंस मोर नहीं चलो इसके बाद में वैलिंग, इसके बाद में वैलिंग आप लोग वंस मोर कर सकते हो,
रिपीट लेके लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब लोग हम बढ़ने वाले हैं वैनिंग की तरफ। किसके तरफ? वैनिंग क्या होती? तो वैनिंग तो होता है एम्पलीट्यूड मिनिमम। मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। ए की वैल्यू मेरे पास है, हाँ सर, 2a cos twice by n1 minus n2 divided by 2 into t is equal to 0। ये 2 गए इधर तो भी 0 होने वाला बच्चों, ये 2 इधर गए तो, अरे 0 divided by 2a 0 होगा, मतलब cos theta की वैल्यू 0 कब होती है पता है आपको? cos 0 एक तो हो सकती है 90, कितनी हो सकती है बता सकते हैं? 90, 270, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, कुछ ही नहीं, pi by 2 को odd number से मल्टीप्लाई करो, 1, 3, 5, 7, pi by 2 से, खत्म किस्सा। तो बच्चों करे, तो बचा है मेरे पास 2 pi, n1 minus n2 divided by 2 into t, ये pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, dash, बात समझ में आ रही बच्चों? 2a कहां गया? डिवाइड किया था तो भी जीरो हो रहा है। कॉस जीरो की वैल्यू कौन कौन सी है? तो 90, 270 पता है ना, इसके फॉर्म में लगे रहो, ठीक है, 180 की डिफरेंस में लिख दो, तो कॉस का आ गया पता है ना, ये वैल्यू आई इसलिए। चलो पाई 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 पाई, टू टू कैंसल, बचा है मेरे पास टी, वन यहां पे कुछ नहीं, वन है टू, ये डिवाइड जाएगा बच्चों तो n1 minus n2, बात समझ में आ रही है? यहां पे 3 by 2, यहां पे n1 minus n2, यहां पे 5 by 2, कुछ नहीं जो दिख रहा है, कुछ नहीं, डिवाइड बाय ये कर लो। ओके, डिफरेंस निकालो बच्चों, किसी में से किस कुछ को भी निकालो, इसमें से ये निकालो। चलो 3 by 2 n1 minus n2 minus 1 by 2 n1 minus n2, आता है डिफरेंस? कुछ नहीं, ये डेढ़ है, डेढ़ में से आधा गया, एक बाकी, अरे 3 by 2 डेढ़ है ना, डेढ़, और ये 1 by 2 हाफ है तो 1, मतलब 1 n1 minus, ये पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ t, मतलब n1 minus n2, ये वैनिंग में भी वही फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मिली बच्चों, कोई टेंशन? ओके, इसका मतलब बच्चों एक के बाद एक आपको है ना अल्टरनेटली पीरियोडिकली वैक्सिंग वैनिंग मिलते रहेंगे इतने फ्रीक्वेंसी के बाद। ओके, वर्ड एड बच्चों समझ में आ रहा है? कुछ सवाल हो जाए, कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, थोड़ा थ्योरेटिकली पार्ट लूंगा बच्चों मैं, एक फार्मूला बाकी है। ओके बच्चों, आपके लिए अभी इसमें हम लोग एक काम करने वाले हैं, जो भी देखा है तो फिफ्थ फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर आर इन द असेंडिंग ऑर्डर अगर रही और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए फार्मूला, मतलब फिफ्थ ओवरटोन्स रहे, मतलब फिफ्थ फ्रिक्वेंसी रही, तो एन पी फार्मूला है हमारे पास, एन वन प्लस पी माइनस वन इंटू एन बी, सब कुछ समझा दूंगा बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए फार्मूला है। फिफ्थ नंबर्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क रहे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी अब पिप ट्यूनिंग फोर्क के लिए, तो हम लोग लिखेंगे एन पी इज इक्वल टू एन वन प्लस पी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज एन पी, क्या क्या बताऊंगा बच्चों टेंशन, ठीक है? इस चीज को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी दी होंगी, और एन वन मतलब फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क। ओके, ये किसके लिए बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए ये फॉर्मूला एन पी इज इक्वल टू एन वन माइनस ब्रैकेट में पी माइनस वन एन पी, बात समझ में आ रही बच्चों? ये डिसेंडिंग के लिए, ये असेंडिंग के लिए। ओके, ये दो फार्मूले आपको लर्न करना है। एप्लीकेशन है बच्चों बीट के, बीट आर यूज टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, जो अननोन फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फोर्क की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों? बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी, जो ट्यूनिंग फोर्क होता है ना जूम, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी पता नहीं होती वो डिटरमाइन करने के लिए
नंबर टू, ये जो माइंड में जो गैसेस होते हैं उसको भी डिटरमाइन कर सकते बच्चों हम लोग, है ना, टू डिटेक्ट द हार्मफुल गैसेस इन माइंड, ओके। उसके बाद में जो नोट होते सारे गम पदनी सा, गाना नहीं बोलूंगा भाई, टेंशन मत लेना, किसी किसी को गाने सुनने की बहुत आदत होती है। तो बच्चों यहां पे जो अननोन फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की उसको भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है बच्चों। और ये जो नोट और सोनोमीटर की जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों, ये भी इसको डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी एक छोटे से न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पे एक सवाल लिख के रखा है बच्चों मैंने, देखा, वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स इन एयर आर 82 डिवाइडेड बाय 173 मीटर एंड 82 डिवाइडेड बाय 171 मीटर, दे प्रोड्यूस द 9 बीट्स पर सेकंड, एक सेकंड में 9 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, देखो हमारे पास बच्चों यहां पे वेवलेंथ दी गई है ना, तो आंसर निकालेंगे, लैम्डा 1 है बच्चों 82 डिवाइड बाय 173 मीटर, और लैम्डा 2 है मेरे पास 82 डिवाइड बाय 171 मीटर। बच्चों मुझे बताओ, और कैलकुलेट द वेलोसिटी करनी है, मुझे ये बताओ बच्चों अभी सबसे मेन फार्मूला बताओ, सबसे मेन इन दोनों में बड़ा कौन है, बीट फ्रीक्वेंसी इससे डिसाइड होती है, बताओ, मैं टेंशन मत लेना धीमे धीमे, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये या ये? मेरे ख्याल से लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, लैम्डा 2 बड़ा है, अरे जिस न्यूमोनेटर सेम है ना, डिनोमेटर की बात है, डिनोमेटर जिसका छोटा वो नंबर बड़ा, बात समझो। तो बच्चों क्या आपको ये रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू n लैम्डा, क्या लिखा था मैंने कल, तो बच्चों n इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर इस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी मतलब बीट होता है, जो स्मॉल डिफरेंस होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, आप n1 इज ग्रेटर देन n2, अरे उल्टा है ना बच्चों, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है कि नहीं है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, बात समझो, इससे बीट फ्रीक्वेंसी निकालोगे, बड़े में से छोटा माइनस उसको बोलते हैं बीट, हो नहीं सकता, हो सकता है कि n2 माइनस n1 भी आ जाए, बात को ध्यान में रखो, समझ लो बच्चों, अगर यही कहानी ऐसी होती तो यहां पे लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 1, तो n2 है ना ग्रेटर देन n1 होता, तो बच्चों n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 92, तो ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पे बच्चों ये कहानी कोइंसिडेंट है n1 माइनस n2, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन थ्योरेटिकली पढ़ा वो n1 माइनस n2 ही है ना, हमेशा मैच हो रहा है, लेकिन होना जरूरी नहीं है, बात समझो, पढ़ना आ गया बच्चों, बिट फ्रीक्वेंसी मिली। तो बच्चों इस फार्मूले से इस फार्मूले पे जाओ, ये फार्मूला, ये n1, ये n1 की वैल्यू है v बाय लैम्डा, वेलोसिटी तो सेम है, n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो ये कैसे करोगे, n1 माइनस n2 कैसा फार्मूला बनाओगे, बनाओ बनाओ बनाओ, चलो यहां पे बनाएंगे हम लोग, देखो n1 के लिए v बाय लैम्डा 1 और n2 के लिए v बाय लैम्डा 2, बात को समझो बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन, टू साउंड वेव इन एयर, एयर में स्पीड सेम होती है कि नहीं, वी वन वी टू क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एयर में, और एयर में जो स्पीड होती है वो 340 होती आई थी, है ना, अप्रोक्सीमेटली 340 होती है, और हमको वी निकालना भी है, कांस्टेंट होगा, चलो तो हम लोगों को एन वन माइनस एन टू निकालना, कैसे करोगे बच्चों, तो वी बाय लैम्डा 1 माइनस वी बाय लैम्डा 2, बात समझ में आ रही बच्चों, फार्मूला बना रहा हूं मैं यहां पे, तो वी बचा है मेरे पास लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, कोई टेंशन, वी को कांस्टेंट रखा है, इन दोनों की वैल्यू है 9, ये वी निकालना है बच्चों, 1 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू बच्चे मेरे पास 82 डिवाइड बाय 173 माइनस 182 डिवाइड बाय 171, तो 9 ये वी, तो बच्चों यहां पे ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर 173 डिवाइड बाय 82 माइनस
यहाँ पे 171 डिवाइड का ऊपर गया ना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? तो 9V ये 173 में से 171 माइनस हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे 2, समझ में आ रहा है ना? दोनों का समझ है, बेस सेम है 82, मुझे V निकालना है, तो ये 9 ये जाएंगे ऊपर डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा है बच्चों? ये 4 जा, ये 1 जा, और V इज इक्वल टू बच्चों 9 1 जा 9 4 जा, है ना, 36 ये मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे पास ये जो स्पीड मिल रही है साउंड में, ये 369 मीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड होंगी बच्चों, ये जो टू साउंड वेव्स है, ठीक है? इसमें कोई शक है बच्चों? फार्मूला कैसे कंस्ट्रक्शन करना है पता लग रहा होगा? किसी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? ओके, बढ़ना आगे, उसके बाद में और एक सवाल लिखा है बच्चों, देख लेना अच्छी तरह से। टू ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी दी वैल्यू बच्चों, यहां पे 340 हर्ट्ज एंड 360 हर्ट्ज प्रोड्यूस द साउंड। पहले वेवलेंथ दी थी, अब फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों मैंने, डिफरिंग बाय 6 सेंटीमीटर इन मीडियम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। ओके, वेवलेंथ जो है उनका जो डिफरेंस है बच्चों वो देख लेना, ठीक है? बढ़ना ये कोई टेंशन, चलो आंसर निकालने जा रहा हूं बच्चों मैं, आप लोग सॉल्व करके देखना है, देख लिया? बढ़ना आगे, 1 2 3 4 5, चलो। तो N1 फ्रीक्वेंसी और N2 है बच्चों मेरे पास 360 हर्ट्ज, कोई शक? कौन बड़ा है? ये बड़ा है, समझ में आ रहा है सर? N2 इज ग्रेटर देन N1। वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ के बारे में कौन है? λ1 इज ग्रेटर देन λ2, सही है सर, सही है। और इनका जो डिफरेंस है बच्चों, λ1 माइनस λ2 ये है 6